तो दोस्तों रेन इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान दिया है और 19 मई कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड डेट रखा गया है। तो याद रखिएगा 19 तारीख रिकॉर्ड डेट है और कंपनी की तरफ से ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया गया है इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए मिलियंस में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ इजी समझने के लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 5,456 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,436 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 5,254 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 18 से 19% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली, 4% के आसपास गिरावट भी देखने को मिली। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 5,168 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,963 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 5,075 करोड़ के आसपास है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। लेकिन जब रिवेन्यू ही कम हो जाएगा तो खर्चे कंट्रोल करके कंपनी क्या कर लेगी। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 313 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 141 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको साल दर साल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि साल दर साल 313 करोड़ से गिर के कंपनी का प्रॉफिट 141 करोड़ पे आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट अच्छे खासे अमाउंट पे जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर में 2.66, पिछले साल 8.25, अभी देखें तो 3.13 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का जो नंबर है वो मिक्स टाइप के हैं, मिले जुले नंबर है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो साल दर साल बेहतरीन बढ़ा है लेकिन क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है लेकिन साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा मिक्स नंबर है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे रीड करता है। लेकिन बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।